आज की जो सेशन है हम बात कर रहे हैं आपके साथ वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के कोड कंसेप्ट के बारे में। हमने कल आपको समझाया था कि जो कोड होते हैं, जो हम कोड लिखते हैं, वो बेसिकली चार मेन ऑब्जेक्ट हैं जिससे हम कोड शुरू करते हैं, जैसे कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच सर, रिकॉर्ड रिकॉर्ड के लिए परमिशन दे रहे हैं, रिकॉर्ड परमिशन हाँ। नहीं हो रहा है। चलिए जगदीप जी, मैंने आपको ही परमिशन दे दी, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस आर। तो जैसे कि हमने बताया कि हम जो भी कोई भी कोड लिखते हैं उसको बेसिकली चार से स्टार्ट करते हैं, चार वर्ड से स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एप्लीकेशन हो गया, वर्क, बुक्स हो गए, शीट्स हो गया और रेंज हो गया। जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच होता है इंग्लिश में, कोई भी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आप किससे शुरू करते हैं? इंग्लिश का सेंटेंस मोस्टली हम शुरू करते हैं किससे? नाउन या प्रोनाउन से। तो सेम इसी तरह से नाउन या जो प्रोनाउन होता है वो आपकी एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट और रेंज होता है। कोई भी लिखते हैं इसी से यूज करते हैं। जैसे हमने कल एल्गोरिथम बताया था कि एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं, तो एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे हम वर्कबुक को शुरू करते हैं, मान लीजिए एक नया वर्कबुक आपको ऐड करना है, एक नई फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए यहां लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट एड, एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब जो नई फाइल क्रिएट हुई है उसको मुझे सेव करना है, तो बेसिकली सेव करने का कोड या कोई भी कोड लिखने का तरीका जो होता है वो क्या होता है? पहले आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट, वर्कबुक ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट का डिटेल, मतलब कि कौन सी फाइल, तो बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्सएम जो भी है एक्सटेंशन। उसके बाद मेंबर, मतलब कि इवेंट क्या करना है, तो मुझे करना है सेव, और फिर मेंबर की डिटेल कि आपको सेव कहां करना है। ठीक है, तो आपको सेव करना कहा है, हो गया। तो वर्कबुक डॉट एड और यहां पे हमने वर्कबुक डॉट सेव एज और हमने डिटेल दे दिया। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना होता है, हमें सिचुएशन को भी ध्यान देखना होता है। अब एक कोड एक साथ अगर मैं रन करूंगा तो रन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब वर्कबुक ऐड होगी तो इसकी गारंटी नहीं है कि आपको बुक वन ही ऐड हो, तो फिर बुक वन उसको मिलेगा नहीं तो सेव करेगा नहीं। लेकिन इतना पता है कि जब भी कोई फाइल ऐड होती है वो एक्टिवेट होती है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने फाइल लिया बुक वन है, मैंने कंट्रोल एन प्रेस कर लिया, मुझे यहां नया बुक टू मिल गया। अरे बुक टू है, लेकिन ये बुक टू ही हमारा एक्टिवेट है, नाम चाहे जो भी हो, लेकिन सिस्टम में सामने जो दिख रहा है फाइल वो हमारा बुक टू ही तो है। तो यहां हम इसको वर्कबुक को हम एक्टिव वर्कबुक से भी कॉल कर सकते, एक्टिव वर्क बुक, तो एक्टिव वर्कबुक से भी कॉल कर सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज और फिर यहां पे हम अपना पाथ और एक्सटेंशन दे देंगे। तो सिचुएशन के हिसाब से आपके अपने कोड को चेंज करना होता है। अब मुझे मान लीजिए पता है कि हमें एक फाइल ऐड करके सेव करना ही है, हमें फाइल को ऐड करके सेव करना ही है, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम यहां पे सीधे लिखेंगे वर्क बुक डॉट एड डॉट सेव एज पाथ। क्लियर है? तो जगदीप जी, हबीब जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो फाइल कल, को सर, कल दौड़ो शीट डॉट एड लिखा था, आज हम आज वर्कबुक नहीं, शीट डॉट एड वो अलग चीज थी सर, तो शीट के ऊपर था। हम बात कर रहे हैं एक फाइल को कैसे, एक नई फाइल कैसे क्रिएट करेंगे और उस नई फाइल को आप सेव कैसे करेंगे। ओके सर, ओके। तो आपके पास दो तरह के कोड है, आप नई फाइल को क्रिएट करें और फिर उसको इस कोड से सेव करें।
अगर आपको फाइल का नाम पता है कि मुझे पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है, तो आप इस तरह के कोड लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि मुझे फाइल को क्रिएट करके सेव करना ही है, तो फिर हम डायरेक्ट इस कोड को लिखेंगे, समझे। मैंने फाइल ऐड कर ली, फिर कुछ काम करके फिर सेव करना है, तो फिर हम इसके बीच में अपना कुछ काम का कोड भी डाल सकते हैं, सीट भी ऐड वैड करने का कोड डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि और मुझे फाइल सेव करना ही है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ताकि एक लाइन में मेरा काम खत्म हो जाए। क्लियर है, समझ में आया सर आपको? क्लियर क्लियर सर। अब मुझे फाइल को जस्ट सेव करना है। अब देखिए, मैं अब वर्कबुक के लिए एक्टिव वर्कबुक या इस मेथड को ले सकता हूं, ठीक है, एक्टिव वर्कबुक या इस मेथड को ले सकता हूं कि वर्कबुक डॉट सेव कर लीजिए या एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव कर लीजिए। तो ये कंट्रोल एस करते हैं ना, कंट्रोल एस का काम करेगा। ऐसी फाइल को क्लोज करना है, तो जिस फाइल को क्लोज करना है उस फाइल का यहां देखिए कि किस फाइल को क्लोज करना है, देन क्लोज, फिर यहां पे ट्रू। ट्रू क्यों? जब हम कोई फाइल को क्लोज कर देते तो उसमें से पूछता है, डू वांट टू सेव, डू वांट टू चेंज द सेव, है ना, सेव योर चेंजेस दिस फाइल, यस सेव करना है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हम क्लोज करते समय यहां पे ट्रू एंड फॉल्स इसलिए देते। अगर मुझे मान लीजिए पुरानी कोई फाइल ओपन करनी है, तो उसके लिए हम यहां लिखेंगे workbooks.open, और जिस लोकेशन से ओपन करना है उस लोकेशन का पूरा पाथ विथ एक्सटेंशन दीजिएगा। आपका फाइल ओपन हो गया। अब फाइल हमने ओपन कर ली, फाइल को क्लोज कर लिया, हमने फाइल को सेव कर ली, हमने सेव एज कर ली, हमने फाइल को क्रिएट कर ली, ठीक है सर, ठीक है। अब एक फाइल से दूसरे फाइल पे कैसे जाएं? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बुक वन है और बुक टू है, मैं बुक वन से इस बुक वन से इस बुक टू पे जाना चाहता हूं, और अल्ट टैब से जाते हैं ना, किस तरह से, तो इस अल्ट टैब से हम कैसे जाएंगे, वीवीए कोड के जरिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक फाइल का डेटा कॉपी करके आपको अनदर फाइल के ऊपर पेस्ट करना है, तो ये तो चीज आपको आना चाहिए, क्या सर? हाँ सर। तो यहां पे हम क्या करते हैं, लिखेंगे वर्क बुक्स, और किस फाइल पे जाना है उस फाइल का नाम कि बुक टू डॉट एक्सलेस एक्स एक्सलेस एम जो भी एक्सटेंशन हो डॉट एक्टिवेट, ठीक है, डॉट एक्टिवेट, तब उस फाइल को एक्टिवेट कर देंगे। अब फाइल के अंदर पासवर्ड डालनी है, तो एक्टिव वर्कबुक या वर्कबुक दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप, तो एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट, और यहां पे पासवर्ड डाल, ये पासवर्ड कौन सा डालेगा, आपके फाइल के अंदर जो आपका ये है रिव्यू है उसके अंदर जो प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है वो डालेगा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं यहां पे कि मुझे फाइल के अंदर उसको अनप्रोटेक्ट करना है, तो यहां पे हम लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट अनप्रोटेक्ट एंड पासवर्ड। फाइल के अंदर ओपनिंग पासवर्ड डालनी है, एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू अनप्रो। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा, मैं एक्टिव वर्क भी यूज कर रहा हूं, आप अगर आपको फाइल नेम पता है तो इसको भी यूज कर सकते हो, दोनों एक ही है। एक्टिव वर्कबुक इट मींस जो वर्क एक्टिव, जो बुक एक्टिवेटेड है, जो फाइल एक्टिवेटेड है, ओके, समझे सर? समझ गए सर। अब यहां पे चीज देखिए कि इस लाइन से ऊपर में हमने कहीं भी इक्वल का यूज नहीं किया, यहां पे इक्वल का यूज क्यों किया? तो हबीब जी, हमने इसका यूज इसलिए किया क्योंकि जो हमने हमने बताया आपको कि ये ऑब्जेक्ट होता है और ये हमारा
मेंबर होता है। जो मेंबर होते हैं दो तरह के होते हैं, मेथड एंड प्रॉपर्टी। तो ये जो है सारे के सारे मेथड है, इसलिए हमने स्पेस यूज किया, यहां प्रॉपर्टी है इसलिए हमने इक्वल यूज किया। कैसे पता चलेगा? जैसे आप लगाने के बाद स्पेस मारोगे नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ गया इसका मतलब है कि वो मेथड है, नहीं आया तो प्रॉपर्टी है। दूसरा तरीका और भी है कि जब आप इसको डॉट करेंगे नीचे जो आता है तो एक ग्रीन बॉक्स दिख रहा है ना आपको सर, ग्रीन बॉक्स ये आपका मेथड है और जिसपे हैंड का निशान दिख रहा होगा, ये हैंड का निशान वो आपका प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी में हमेशा इक्वल लगता है और प्रॉपर्टी हमेशा दो तरह के होते हैं, एक इंफॉर्मेशन लेने वाले और दूसरा इंफॉर्मेशन देने वाले। तो इंफॉर्मेशन लेता है, ऐसे मान लीजिए मुझे फाइल का नाम पता करना है तो एमएसजी बॉक्स इसके अंदर में लिख देंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट फाइल नेम या फाइल फॉर्मेट, फाइल नेम, पाथ, ऐसी चीजें ले सकते हैं, समझे? तो मैसेज बॉक्स में आप कुछ और भी चीजें दे सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई रिसीवर होना चाहिए ना सर, पाथ ठीक कर सकते। अब जो कोड मैं बताया हूं ये कोड एक साथ रन नहीं होगा, ये वन बाय वन रन होगा। तो आप कैसे करेंगे? सब्जेक्ट लिखे और सब्जेक्ट में लिखने के बाद एक सब्जेक्ट बनाए, जैसे आरआर हमने स्लैश वन कर दिया नीचे। अब जो है इसमें आप एक लाइन को लिखे, एक लाइन लिखे राइट सर? हाँ सर ओके। अब इसको रन कीजिए और इसको टेस्ट कीजिए, फिर इसमें कुछ और लाइन ऐड करना है तो कुछ और लाइन ऐड कीजिए। ऐसे इसको वन बाय वन रन करके आप ट्राई कीजिए। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि एक्सेल फाइल के ऊपर फाइल कैसे क्रिएट करें, सेव करें, ओपन करें, क्लोज करें, प्रोटेक्ट करें, अनप्रोटेक्ट करें, पासवर्ड लगाए, ये चीजें मैंने आपको बताई कोड के जरिए। अब इसको एक बार अपने हिसाब से देख लें, फिर कल हम इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करेंगे, एक लाइव प्रोजेक्ट करेंगे और फिर इसके आगे बात करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। अभी उसके अंदर में वर्क बुक का एक ही बुक का नाम डालते हैं ना, ठीक है ना? वर्क बुक्स का रहेगा जी, वर्क बुक्स डालता है, कोड तो वर्क बुक्स ही होता है ना, बुक नहीं होता है, बुक नहीं होता है, एक्टिव वर्कबुक होता है। ओके ओके सर ठीक है, ओके ओके सर ओके। आपको कुछ है?